खबर मिर्जापुर जिले के चुनार से है। चुनार नगर में युवा नौजवान और बच्चे व्यायाम, खेलकूद और योग के माध्यम से जिंदगी को दे रहे नया आयाम। मिर्जापुर जिले के चुनार नगर के ऐतिहासिक किले के ग्राउंड पर प्रातःकाल नगर के युवा नौजवान और बच्चे नियमित व्यायाम, खेलकूद और योग के माध्यम से जिंदगी को नया आयाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज प्रातःकाल ग्राउंड पर देखने को मिला, जहां बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से समय निकालकर सैर सपाटा, व्यायाम, खेलकूद और योग एवं ध्यान करते नजर आए। आप सभी लोगों को स्पष्ट तौर से कहना है कि प्रातःकालीन व्यायाम, खेलकूद एवं योग करने से शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और शरीर में स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार होता है। आज के आधुनिक समय में मनुष्य की दिनचर्या और कार्यशैली में बहुत बदलाव हुआ है और लोग काफ़ी व्यस्तम जीवन जी रहे हैं। साथ ही समय से संतुलित आहार न लेने से शारीरिक असंतुलन के कारण बहुत सारे रोगों से लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाकर एवं खेलकूद, व्यायाम, योग इत्यादि गतिविधियां और विधाओं को अपनाकर न सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि स्वस्थ समाज का निर्माण कर देश को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही COVID-19 जैसी महामारी जो विश्व के लिए गंभीर समस्या के रूप में है, उपरोक्त विधाओं को अपनाकर एवं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को विकसित करके इस गंभीर बीमारी को भी मात दे सकते हैं। इस संदर्भ में नगर के आयुष, कन्नौजिया राजकुमार एवं अखिलेश सिंह अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। PST न्यूज लाइव चुनार से संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट। PST न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं चुनार से धीरेन्द्र सिंह, और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं चुनार के ऐतिहासिक किले के ठीक ग्राउंड के पास। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सुबह का समय है और देख रही है आसमान में बिल्कुल बादल छाए हुए हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, हमारे पीछे कुछ युवा आपको नज़र आएंगे जो कि कुछ खेल वगैरह अपना कर रहे हैं। साथ में हम पीछे भी आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा उधर दिखाएँ कि लोग जो है कि प्रातःकाल व्यायाम जो है कि कर रहे हैं। और आइए इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये लोग कब से ये कर रहे हैं और इनसे इनको क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आज के इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में दिनचर्या का सही होना मनुष्य के बहुत ही ज़रूरी है, और इस संबंध में हम किले ग्राउंड पे आ चुके हैं। और देखें, यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं और इनसे जाते हैं, इनका परिचय लेते हैं। आपका नाम? आयुष कन्नौजिया। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं। कौन से क्लास में सर? अभी 12th पास आउट हुए हैं कॉलेज। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आप यहाँ ग्राउंड पे जो कि कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं आप अभी? अभी तो हम लोग लगभग 2 महीने से बैडमिंटन खेलने आते हैं रेगुलर। तो बैडमिंटन खेलते हुए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, सुबह सुबह आते हैं, थोड़ा माहौल भी अच्छा रहता है, सब लोग रहते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, कुछ लोग जी सब एज के लोग रहते हैं, छोटे से लेके सब एज तक, तो अच्छा लगता है। तो इससे आपको फ़ायदे क्या क्या अभी समझ में आए, करने से कुछ फ़ायदा समझ में आया? तो एज अ स्टूडेंट बहुत मतलब कि हेक्टिव लाइफ हो जाता है, पढ़ते पढ़ते काफ़ी, एक तो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं तो दिन भर मोबाइल में रहना तो मतलब काफ़ी हेल्थ को भी असर करता है। तो अभी थोड़ा सा फ्री हुए सब लोग, तो फिर 2 महीने से लगभग सब लोग आते हैं रेगुलर, तो थोड़ा सा हेल्थ पर भी फ़ायदा करेगा और ओवरऑल ऐसे। ओके, तो ये हम जानना चाह रहे थे कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवाओं को, कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए, पढ़ाई काम अपने जगह है, लेकिन जब शरीर साथ रहेगा तो फिर सब साथ है। लेकिन काम पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन अपना रेगुलर एक्टिविटीज़ जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, सुबह वॉकिंग ही कीजिए, लेकिन कार्डियो कुछ भी कीजिए, लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहिए और अपने काम पर भी लगे रहिए। ओके सर, TST न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो एक मिनट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ युवाओं से बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और लोग हमारे बीच में हैं, कुछ जो है कि और लोग उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप लोग का इस बारे में क्या कहना है और आप लोग कब से यहाँ आ रहे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार है। सर, आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? हाँ, यहाँ प्लेइंग करने आए हैं, गेम खेलने आए हैं। जी जी, तो सर ये प्लेइंग और गेम कब से आप कर रहे हैं? अरे 8-10 साल से कर रहे हैं। तो अभी आप फिलहाल कौन सा गेम खेलने जा रहे हैं? क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं जो कि आए हैं अपना समय निकाल के प्रातः काल में। ये मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इस रमणीक अपने चुनार नगरी में ये ग्राउंड है किले के पास, इसमें आ करके ये सुबह सुबह
जो कि एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा और स्पोर्ट्स के माध्यम से अपनी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि अभी हम कुछ स्पोर्ट्स पर्सन से मिलके आएँ और जानें उनसे उनकी राय कि वो कब से आ रहे हैं और उससे उनको क्या फ़ायदे हैं। और उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि ये प्रातःकालीन ये गतिविधियाँ करने से, स्पोर्ट्स हो, योग हो, ध्यान हो, मनन हो, तो ये करने से शरीर को काफ़ी लाभ मिलता है और जैसा कि भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी है, इसमें इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी संदर्भ में आइए हम कुछ और लोग हैं, हमारे और साथी भी नज़र आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर ग्राउंड पर, वो उनसे जानते हैं कि क्या है, उनकी क्या राय है और क्या है यहाँ का सूरत हाल। आइए सर, सर अपना परिचय दें। हम अखिलेश सिंह जी, किला ग्राउंड चुनार के ही बगल में आवास है हमारा जी। हम लोग विगत 10 सालों से योग करते हुए चले आ रहे हैं इस ग्राउंड पे जी। हमारे लोगों की टीम है 20-25 लोगों की योगा ग्रुप के नाम से जी। आप जानते ही हैं कि योग शरीर का सबसे बड़ा अभिन्न एक तरह से कह लीजिए कि निरोग बनाने के लिए योग का जो सदुपयोग या योग जो हम लोग करते हैं जी, जी। तो योग में कई प्रकार से योग किया जाता है। पहले रनिंग होता है, उसके बाद में एक्सरसाइज होते हैं जो छोटे छोटे व्यायाम हैं, फिर कपाल भारती और नौ विलोम, ये सब करने से क्या होता है, जो दिन भर का स्ट्रेस रहता है, माइंड रहता है, बड़ा कूल होता है, सुकून महसूस होता है। साथ ही कुछ लोग हमारे ग्रुप में हैं, जैसे किसी को कुछ प्रकार की बीमारियां हैं, मान लीजिए जैसे शुगर है या किसी की बीपी है क्या, तो ये सब चीज़ें अनुलोम विलोम कपाल भारती करने से ये सब चीज़ें बिल्कुल मेंटेन रहता है। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम ये भी जानना चाहेंगे सर आपसे कि ये जो COVID-19 को देखते हुए जो एक इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की बात होती है, इसमें कितना योगदान है योग का? बहुत बड़ा योगदान है। योग करने से वास्तव में जो जैसे खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार आता है शुरू में, जब खास तौर से जुकाम की, खांसी की, तो आप कपाल भारती अनुलोम विलोम केवल करिए आधा घंटा। आधा घंटा अगर अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको खांसी आएगा ही नहीं। खांसी जब नहीं आएगा तो किसी प्रकार का एक्स्ट्रा जो बीमारियाँ हैं वो आपके शरीर के अंदर धर नहीं कर पाएगी एकदम बिल्कुल। तो बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भाई साहब योगा कर रहे हैं और योगा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि योगा का भी अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। अगर इसको अपनाया जाए, अपने ज़िंदगी में शामिल किया जाए, तो स्पोर्ट्स से जो फ़ायदे मिलते हैं, रनिंग से जो फ़ायदे मिलते हैं और व्यायाम से जो फ़ायदे मिलते हैं, इसके साथ साथ योग और ध्यान से भी बहुत बड़े फ़ायदे हैं। और ख़ास कर करके COVID-19 को ध्यान में रखा जाए या अन्य और बीमारियों को लेटेस्ट ध्यान में रखा जाए, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा शरीर को मिलने वाला है। TST न्यूज़ लाइव के लिए चुनार मिर्ज़ापुर से धीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।